जौनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषद व डूडा द्वारा लाल दरवाजा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी पीएम स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान योजना, श्रम विभाग की योजना सहित केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की हर जन कल्याणकारी योजनाओं से देश का हर गरीब लाभान्वित हो रहा है। विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है और हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, हर क्षेत्रों में ये जा रही है। और जो कल्याणकारी योजना चल रही केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उन कल्याणकारी योजनाओं का उन लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और मेरी कहानी, मेरी जुबानी, जो लोग पाए हैं वो लोग खुद अपना वक्तव्य देते हैं कि हमको सरकार की ओर से क्या क्या मिला, क्या क्या हुआ ये। और उसी के साथ साथ उनका हम पंजीकरण भी कराते हैं। ऐसे लोग जो हैं, पात्र हैं, चाहे वो पीएम स्वनिधि योजना को, स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवास देने की बात हो, ये जो प्रकार की, जो तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उन सब की योजनाओं का हम यहाँ पंजीकरण भी करते हैं। जो वंचित लोग रहेंगे तो फिर उनको वो चीज़ें, उसका लाभ दिलाने का भी काम करेंगे। हमें बाहर गाँव जाना पड़ता था काम करने के लिए, जब से मनरेगा का हमको 100 दिन काम मिलता है, हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इस काम से खुश हूँ, परिवार भी खुशहाल है, सरकार को धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा हमें आयुष्मान कार्ड मिला है 5 लाख का, और हम अब फ्री में इलाज करा सकते हैं। मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। हमको फ्री राशन मिलता है, बाजार में बहुत सस्ता महंगा मिलता है, मोदी सरकार हमको फ्री में राशन देते हैं, इसलिए हम मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद करते हैं।